वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के आपके अपने सी टू चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा जो CTET 2018 एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसका डेट डिसाइड कर दिया गया है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि इसका एग्ज़ाम डेट 9 दिसंबर 2018 को घोषित किया गया है, जो कि आप CTET.NIC.IN करके उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, जो अभी CTET का एग्ज़ाम होना है उसमें कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम से होंगे, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप हिंदी मीडियम से भी CTET फाइट कर सकते हैं। इवन मैं खुद भी हिंदी मीडियम से कर चुका हूं। और चलिए इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं हिंदी में, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम है तो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन फाइनली जो देखता हूँ मैं हिंदी मीडियम में इसकी जो कंटेंट वगैरह हैं कम मिलते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा मिलते हैं। तो कोई नहीं, उसमें अगर आपने बाइलिंगुअल चुना होगा तो उसमें दोनों माध्यम में क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो फिलहाल अभी पेपर 1 और पेपर 2 की बात करते हैं CTET के। तो यहाँ देखिए, जैसे कि आपको पता होगा 5 सेक्शन से प्रश्न आने वाले हैं। पहला एक बाल विकास अध्यापन कला, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा है 2 लैंग्वेज सेलेक्ट किए होंगे आपने, फिर एक लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड, फिर 4th में गणित चुना होगा आपने और 5वें में पर्यावरण अध्ययन चुना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल पेपर 1 की बात करते हैं, उसके बाद ही क्रम से हम पेपर 2 की बात करेंगे, ठीक है। तो बाल विकास और अध्यापन कला, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, इसका आप चाहें तो इसका मैं पढ़ के आपको कितना बताऊं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद भी इसका स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, मैं थोड़ा इधर कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा इसको मैं आराम से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो सारे कंटेंट हैं जो दिए गए हैं यहाँ, बाल विकास के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय का बालक, उसके नीचे और जो सब टॉपिक दिए हैं, विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध, ये जितनी भी चीज़ें हैं सारे कंटेंट अगर आप पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली उस कंटेंट से क्वेश्चन जरूर आएंगे, और इसी के अंदर ही वो आएगा, ऐसा नहीं कि इसके आउटसाइड आ देंगे। जबकि भी CTET ने यह अवेलेबल करा दिया है तो डेफिनेटली इसी के अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक। भले ही हमको वो कई क्वेश्चन ऐसे लगते हैं जो लगता है कि कहाँ का क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ लें, ये जो डेफिनेटली जो साइंटिस्ट लोग जो कहें, जैसे कोहल और वाइगोत्स्की, ठीक है, ये सारे जो उनके विचार हैं तो डेफिनेटली सबको पढ़ लें। बाकी जो सारे कंटेंट है जो हमने ट्रेनिंग में पढ़ा है वो भी उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, देखिए यहाँ ख ग से लेकर यहाँ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। आगे चलते हैं और देखिए, अब भाषा 1, पहला भाषा के लिए यहाँ 30 क्वेश्चन आएगा। तो पहला भाषा में अगर आप चुना होगा तो उसके रिगार्डिंग है ये, ठीक है। तो इसको भी देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और देखिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर दिया हूँ ताकि सारे इसमें कंटेंट अच्छे से दिखें। और आगे चलते हैं, भाषा 2 की बात करते हैं, ठीक है। तो ये भी स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं, और दोनों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे चलते हैं गणित की ओर, ठीक है। तो गणित में क्या क्या पूछे जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। और देखिए, ज्यामितीय आकार, स्थानिक समझ, तो ये सारे चीज़ आपको पढ़ना है। और इसके लिए ऐसा नहीं कि कंपटीशन की इस चंद की बुक पढ़ने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ, तो इसमें वही गणित से, क्योंकि ज़्यादातर डरते हैं ना गणित में क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, तो और सोचते हैं कि कंपटीशन टाइप से इसका एग्ज़ाम हो, जैसे सामान्य जॉब वाली कंपटीशन में आती है, तो ऐसा इसमें नहीं आता है, ठीक है। इसका जो गणित का होता है एक अलग ही एकदम सामान्य बेस पे, इसका बेस जो एकदम सामान्य रहता है, लेकिन थोड़ा माइंड को घुमा देने वाला क्वेश्चन रहता है। कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो एकदम ईजी रहते हैं लेकिन सोचने पर बहुत मजबूर करते हैं, बन नहीं पाते हैं, तो ऐसा होता है। इसलिए इसको ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ को आप रट के अच्छे से बना सकते हैं, इसको लिए आपका समझ होना ज़्यादा ज़रूरी है। चलते हैं EVS पर्यावरण की ओर, देख ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। यहाँ विषय वस्तु यह है का और ख अध्यापन संबंधी मुद्दे, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और NCERT बुक्स का अवलोकन जरूर करें,
ईवीएस के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगा, ईवीएस और मैथमेटिक्स के लिए एनसीईआरटी बुक का अवलोकन जरूर कर लें, ठीक है। वो नेट में अवेलेबल है, चाहे तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए, गूगल प्ले स्टोर से एनसीईआरटी बुक का। मैंने हालांकि इसका वीडियो बना दिया है, तो आप, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाकर कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से मिलेगी एनसीईआरटी बुक, इसका भी देख सकते हैं। पेपर टू की बात कर लेते हैं, तो देखिए बाल विकास और अध्यापन कला, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है फ्रेंड्स। और पेपर वन, भाषा वन की बात करें तो यहाँ से आप ले सकते हैं इसका एक स्क्रीनशॉट। और आगे चलते हैं, गणित एवं विज्ञान, देखिए यहाँ भाषा फर्स्ट और भाषा टू यहाँ तक हो चुका है, पेज फाइव तक, ठीक है। अब हम देखते हैं गणित एवं विज्ञान की बात करें, ठीक है। यहाँ फिलहाल जैसे कि कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने सोशल साइंस को चुना होगा, और कई ऐसे हैं जो साइंस एवं विज्ञान को चुना होगा, तो फिलहाल अभी यहाँ गणित एवं विज्ञान की बात करें, जिन्होंने वो सिलेक्ट किया है, तो ये चीज़ गणित और विज्ञान में पूछी जाएंगी, इसको आप डेफिनेटली पढ़ लें, और एनसीईआरटी बुक्स को ज़रूर पढ़ें, प्लस एडिशनल बुक भी पढ़ना है आपको, लेकिन एनसीईआरटी ज़रूर, ठीक है। आगे चलते हैं, और यहाँ और इसका एक स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं आप। बात करते हैं सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान की, देखिए यहाँ दिया है इसका, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, और देखिए तो मैं पढ़कर कितना बताऊँ, एनसीईआरटी बुक ज़रूर पढ़ें, प्लस एडिशनल बुक पढ़ें, और इस साल तो बहुत गोल्डन चांस है उन लोग के लिए जिन्होंने सीटीईटी का फॉर्म भरा है, और केवीएस का भी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर, और इसका फॉर्म को 23 तारीख तक फिलअप ज़रूर कर दें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दें उस पर। और इसके रिगार्डिंग मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है, तो उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक। तो फ्रेंड्स यहाँ कंप्लीट हो चुका है पेपर वन और पेपर टू का, हिंदी में जो तैयारी कर रहे हैं, और बिल्कुल डरने की बात बिल्कुल नहीं है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं है। आप डेफिनेटली अगर केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो टीचर बनना चाहते हैं, तो इस बार एक सबसे बेहतरीन चांस है, गोल्डन चांस है, उस चांस का यूज कीजिए। पोस्ट भी बहुत सारी आई है, 8300 अराउंड पोस्ट है, ठीक है। तो उसमें TGT के हैं, PGT के हैं, PRT के हैं, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल लाइब्रेरियन और PRT म्यूजिक, सारे पोस्ट हैं, और अपने एलिजिबिलिटी के अनुसार सब कोई फॉर्म भर चुके हैं, और कुछ लोग फिलअप कर रहे हैं। तो CTT की फ़िलहाल अभी मैं बात करूं, तो CTT की तैयारी भी बड़े ज़ोर शोर से आपको करना है, और पास भी करना है, और वही कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, मैं उसी अभ्यर्थी के लिए बात कर रहा हूं जो जिन्होंने CTET पास नहीं किया है, और CTET पास कर लेते हैं और KVS का एग्ज़ाम भी पास कर लेते हैं, तो उन लोग का सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, और अपनी तैयारी बड़े ज़ोर शोर के साथ करें, क्योंकि आपको CTT का भी तैयारी करना है और KVS का भी तैयारी करना है, तो दोनों का तैयारी करने के लिए आपको एक बहुत बड़ी रणनीति की आवश्यकता है। फिलहाल इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूँगा, फिलहाल अभी मैंने यहाँ सिलेबस के बारे में बात कर दिया है, और इसी सिलेबस के अनुसार आप अपने स्टडी जारी रखें। देखिए यह एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें आपको ऐसा नहीं है कि 90 नंबर से आप 120 नंबर लाना है, 130 नंबर लाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर जो डिसाइडेड नंबर है 90 नंबर है उससे कम लाते हैं, अगर जनरल कैटेगरी की बात करूँ, मैं जनरल कैटेगरी से बात करूँ, अगर 90 नंबर है तो आप पास हैं, ये मान के चलिए कि 100 नंबर आपको लाने हैं, 100 नंबर डेफिनेटली किसी भी हालत में ले आइए, ऐसा नहीं है कि आप 90 नंबर लाएंगे तो आपको वहाँ कुछ आपका निगेटिव पॉइंट जाएगा, यह इसको सिर्फ एलिजिबिलिटी है, और इसको एलिजिबिलिटी के तौर पर देखा जाता है। और वैसे भी SC ST OBC कैंडिडेट को 82 नंबर 82 नंबर में पास कर जाते हैं, तो इसके लिए आप लोग अपनी रणनीति बना सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियोज में इतना ही, और आगे हम बात करेंगे कि कैसे तैयारी करना है, और तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का घंटा जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं और आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फिलहाल बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं वीडियोस में, और मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए मैं धीरे धीरे करके एक एक वीडियोस के माध्यम से आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने का कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना स्टडी जारी रखें, शुक्रिया, आदाब।